लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इसी चरण में महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा 17 सीटों पर, जबकि यूपी और राजस्थान की 13-13 लोकसभा सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, एमपी और ओडिशा की 6-6 लोकसभा की सीटों पर, बिहार की 5, झारखंड की 3 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक चौथे चरण में कुल 64% मतदान संपन्न हो गए। चौथे चरण में एमपी में जहां 66.68% मतदान हुए, तो वहीं बिहार में 58.92% मतदान संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर में 9.79% मतदान हुए। महाराष्ट्र में 55.85% मतदान पड़े और वहीं ओडिशा में 64.05% मतदान संपन्न हुए। राजस्थान में 67.42% मतदान संपन्न हुए। यूपी में 57.29% मतदान हुए। पश्चिम बंगाल में 76.66% मतदान संपन्न हुए। वहीं अगर बात झारखंड की जाए तो झारखंड में 63.77% वोट डाले गए। आपको बता दें कि देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होना है और मतगणना 23 मई को होगी। चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कल जो 13 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुआ और वहीं पूरे देश भर में 72 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें कहां पे कितना फीसदी वोट डाला गया। चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 67% मतदान संपन्न हुए। 9 राज्यों की कुल 72 सीटों पर कल मतदान किए गए और वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे कम वोटिंग हुई।